मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में भी हिस्सा लिया है और अभी मैं नेशनल इंटरनेशनल में ओलंपिक में कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि आज हमारी जो टूर्नामेंट हुई है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और मैं आपको अपनी तरफ से और रियासी अपडेट्स के माध्यम से मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि कई पेरेंट्स जो हैं बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं पढ़ाई के साथ साथ खेलने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हम भी स्टूडेंट्स हैं, मैं 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ, तो पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को अलाउ करें खेल पढ़ाई के साथ साथ, जिनकी वजह से उनकी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ेगी, उनकी फिजिकल वो फिट रहेंगे, तो आगे जाके वो और भी अचीव कर सकते हैं, अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ इनको गेम्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं एक्स फेंसर हूँ और आज यहाँ पर 13th रियासी डिस्ट्रिक्ट फेंसिंग डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप करवाई गई है और इन कोलैबोरेशन विद जनरल जोरावल सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज रियासी। और मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं वो इन्हीं सभी बच्चों को सपोर्ट करें, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है अभी स्टूडेंट्स को, और हम चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से और सपोर्ट मिले, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के बच्चे हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं, स्टेट में, नेशनल में और इंटरनेशनल लेवल तक खेल कर आ चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें काफ़ी सपोर्ट मिले, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कॉम्पिटिशन ऑलवेज होते रहें, और हमारे कोच सर मिस्टर अजय कुमार जो हमेशा यहाँ पे करवाते रहते हैं ऐसे कॉम्पिटिशन। तो हम चाहते हैं कि हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमें सपोर्ट करे इसके लिए, और हमारे जो फैंसर्स हैं वो आने वाले नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में स्टेट लेवल में जो कि परसों से होने जा रहा है जम्मू में, उसमें भी अच्छा पार्टिसिपेट करें।